मम्मी पानी दे दो। जा जाके खुद से ले ले। हाँ? दे दो ना मम्मी, फिर से मांगा ना तो थप्पड़ पड़ेगा। Oh, no. थप्पड़ मारने आओ तो पानी भी ले आना। गलती तुम्हारी थी, समझी ना। तुम्हें तो ना लड़ाई करने के अलावा कुछ आता ही नहीं है। रुको अभी बताती हूँ। मम्मी मेरे इनसे झगड़ा हो गया है और मैं 3-4 महीने के लिए वहाँ आ रही हूँ। Oh, no. जब झगड़ा उस हरामखोर ने किया है तो सजा भी तो उसको ही मिलना चाहिए। हाँ? तू रुक, मैं आती हूँ वहाँ पे 5-6 महीने के लिए। मैंने कहा मुझे छोड़ दे। नहीं छोड़ूंगा तो क्या कर लेगा। मम्मी मैं बहुत बेकार हूँ ना। अपने आप को बेकार मत समझ बेटा, तेरी एक किडनी मुझे आईफोन दिला सकती है। मम्मी अब तो मेरी शादी होने वाली है, अब आप मेरे बिना कैसे रहोगे? सुकून से। आप मुझसे शादी कर लो ना। नहीं मुझे नहीं करनी यार, शादी के बाद मैं एक सरप्राइज दूंगा तुम्हें। अच्छा क्या सरप्राइज? कैसी लड़की हो यार, सरप्राइज के लिए शादी करने के लिए रेडी हो गई? उसने बोला घर पर आ जा, घर पर कोई नहीं है, और घर पर बुलाकर सारा घर साफ करवाया पूरी गदके ने। क्या दिन भर मोबाइल में लगी रहती है, कोई काम नहीं है तेरे को? आपको काम नहीं है क्या? हाँ मेरे को तो बहुत काम है। हाँ तो जाके करो ना। मम्मी मैं कैसी दिखती हूँ? अपने बॉयफ्रेंड से पूछ ले। मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है मम्मी। हा? तो फिर तू खुद ही समझ जाना तू कैसी दिखती है। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे में काजोल का नाम क्या था? सिमरन। सामने वाली फ्लैट में लड़की जो रहती है उसको आए हुए कितने दिन हो गए? 2 महीने। पर तू ये सब कुछ पूछ क्यों रही है? आज मेरा बर्थडे था। रात को 5 मिनट और मोबाइल चला लूं, सुबह 5 मिनट और सो लूं, बस इस तरह से चल रही है जिंदगी। ओए सुन, I love you। अच्छा तुम भी बोलो ना। तुम भी। मैंने अनुभव किया है कि जिंदगी में पैसा ही जरूरी नहीं होता, बल्कि बहुत ज्यादा पैसा जरूरी होता है। कल शादी में एक लड़का पसंद आया, फिर बाद में पता चला कि उसी की शादी थी। अंकल जी मैं आपकी बेटी से। बस बस कर, ये ले 1 करोड़ का चेक और निकल जाए मेरी बेटी की जिंदगी से। अरे वाह अंकल जी, हाँ? मैं तो इससे किताब मांगने के लिए आया था। इस भसूड़ी की शक्ल को कोई 5 रुपए ना दे। सुनो मुझे भूल जाओ विशाल, मेरी शादी होने वाली है। कौन विशाल? मैं तो विकास हूँ। तो तुम भी भूल जाओ और विशाल को भी बता देना। मम्मी मैं सोच रही हूँ अमेरिका होकर आ जाती हूँ, कितने पैसे लगेंगे? 1 भी नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि सोचने के पैसे थोड़ी ना लगते। मम्मी आपके इतने सफेद बाल कैसे आ गए? जब जब तू मेरी बात नहीं मानती है ना, तब तब मेरा एक बाल और सफेद हो जाता है। मम्मी मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। क्यों क्या हुआ? अच्छा ज्यादा भोला बनने की जरूरत नहीं है। Oh, no. अब समझ आया नानी के सारे बाल सफेद कैसे हो गए। बहू तेरी हरकतों ने मुझे पागल कर दिया। तेरे बाप से मुझे मिलना ही पड़ेगा। Oh, no. हाँ मम्मी जी जरूर मिलना। Huh? आपको तो पता ही ना मेरे पापा कितने अच्छे दिमाग के डॉक्टर है, आपके काम आएंगे। मम्मी आपने चाटा मुझे सीरियस होकर मारे है मजाक में। सीरियस होकर? हाँ फिर ठीक है, ऐसे मजाक मुझे पसंद नहीं है। हाँ बेबी आई लव यू। कोई नई बात बता। मैं माँ बनने वाली हूँ। और कोई नई बात बता। पर उस बच्चे के बाद तुम नहीं हो। ओ अच्छा। मैं पड़ोसी से प्यार करती हूँ और उसके साथ भाग रही हूँ। हाँ? अरे वाह बेटा बहुत बढ़िया, मेरे पैसे और समय दोनों बच गए। पापा मैं चिट्ठी पढ़ रही हूँ जो मम्मी रख कर गई है। मम्मी मैंने सोनिया से 10,000 रुपए उधार लिए थे और आज शाम तक अगर मैंने उसको उसके पैसे नहीं लौटा है तो मुझे मजबूरन जहर खाकर मरना पड़ेगा। Oh, मम्मी no. क्या आप मेरी थोड़ी सी मदद कर दोगी? हाँ जहर के पैसे दे दूंगी ना। प्लीज मम्मी ऐसे करके तू 10 बार से मांग चुकी है मुझसे आराम को। क्यों बेटा सब्जी में नमक नहीं डाला क्या? वो क्या है ना मम्मी सब्जी थोड़ी सी जल गई थी ना इसलिए नहीं डाला। तो सब्जी में नमक क्यों नहीं डाला? मम्मी आप ही ने तो कहा था जले पर नमक नहीं छिड़कना चाहिए। इतनी सिगरेट भी मत पिया करो कि एक दिन डब्बे पे तुम्हारी शक्ल छपे। यार मम्मी आप कितने क्यूट हो। ओ थैंक यू सो मच बेटा। कैसा लगा मेरा मजाक? मम्मी 20 रुपए दे दो, बाहर गरीब खड़ा है उसको देना है। गरीब खड़ा है? चल बता कहाँ है बेटा, मुझे तो कोई गरीब दिखाई नहीं दे रहा। अरे मम्मी देखो वो तो रहा बेचारा, धूप में खड़े होके आइसक्रीम बेच रहा है। क्या हो गया बेटा? कुछ नहीं मम्मी, हेडेक हो रहा है।
कहाँ बेटा, कहाँ कहाँ हो रहा है? कौन है